सुबह नाश्ते में हम क्या बनाएं जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद हो और साथ में हेल्दी भी हो, क्योंकि हम डेली तला बुला तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी डिश बनाएं जो खाने में तो टेस्टी हो और हेल्दी भी हो और जो सभी बहुत मन से खा ले। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इडली की रेसिपी, जो हम पालक से बनाएंगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी भी बहुत होती है। तो चलो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पालक ली है, ये 200 ग्राम तक पालक है। इसको अच्छे से मैंने धुलकर काटकर यहाँ पे लिया है। अब इसको हम पीस लेते हैं, इसलिए इसको क्या करती हूँ, मैं मिक्सर ग्राइंडर है उसमें इसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक कप तक दही है उसको ले रही हूँ, ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ और दो हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तीखे के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कम मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पालक को पीस कर ले लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, एक मिक्सिंग बाउल में हम 2 कप तक यहाँ पे सूजी ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी वाली सूजी है, क्योंकि हम जब इडली बनाते हैं ना तो उसमें बड़ी सूजी ही ऐड करेंगे तो वो हमारी इडली बहुत अच्छी बनती हैं। तो और अब इसमें मैं जो हमने पालक का पेस्ट बना कर रखा था उसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप तक दही है उसे ऐड कर दिया था, और अब इसे मिक्स कर लेंगे। जो ग्राइंडर में थोड़ा सा पालक का पेस्ट बच गया था उसमें भी मैंने पानी डालकर उसको इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसको अब हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। पानी एक साथ आप मत ऐड करिएगा, अदरवाइज़ हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा गीला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मिक्सर अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको क्या कर रही हूँ, मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरीके से रेस्ट पे रख दूँगी, जिससे कि हमारी जो सूजी अच्छे से फूल जाए। अब ये देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है, तो ये थिक भी हो गई। तो इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अब इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच तक इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद हो उस तरीके से आप ऐड करिएगा। और इसको अच्छे से अब हम इसमें मिक्स कर ले रहे हैं। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रखने में बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से बैटर निकाल कर अलग बाउल में रख लेते हैं, क्योंकि हम सारे इसमें हमें इनो मिलाना है। तो हम सारे बैटर में एक साथ इनो नहीं मिलाएंगे, जितना हमारे मोल्ड में आ जाएगा उतना ही हम रखेंगे। इनो मिलाने से पहले मैं क्या करती हूँ, जो मोल्ड्स हमारे हैं उनमें हम अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि जब हम इनो मिलाएंगे तो तुरंत हम उसको यूज करना है, हम उसे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सारे मोल्ड्स में ऑयल लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी इडली बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़ी इडली भी बनाकर बड़ा वाला मोल्ड है उसमें भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो मैं इडली कैसे बनाते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमनी इसमें इनो ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनो मिक्स हो चुका है। तो अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इस बैटर को मोल्ड में डालते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल के हम उस जो इडली मोल्ड है उसमें अच्छे से डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा बैटर एक भी मोल्ड में नहीं भरना है, क्योंकि जब इडली बनाएंगे तो वो थोड़ी सी फूलती हैं। तो इस तरीके से हम सारे मोल्ड में बैटर डाल देंगे। इस तरीके से 1 से 2 बार इसे टैप कर देंगे, जिससे कि क्या होता है बैटर अच्छे से मोल्ड में फैल जाएगा। और इसी तरीके से हम सारे मोल्ड में बैटर भर कर रख तैयार कर लेंगे। तो हमने सारे मोल्ड में बैटर अच्छे से भर दिया है। तो अब इनको हम इस पर स्टैंड पे लगा देते हैं। और हमने एक बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया था, तो इसको लगाकर अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो अब हमने जो पानी पहले से ही गर्म होने रख दिया था उसको इसमें रख के
तीन से चार मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए हम स्टीम नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारे तीन से चार मिनट हो चुके हैं, हमारी इडली अच्छे से फूल चुकी हैं। तो अब इसे निकाल कर हम क्या करते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम तुरंत इनको मोल्ड से नहीं निकालेंगे क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर हम अभी इसे निकालेंगे तो हमारी इडली टूटने लगेंगी। तो हम इनको इस तरीके से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए ठंडी हो चुकी हैं, तो देखिए कितनी आसानी से निकल रही हैं। तो इसे देखिए हम सारी मोल्ड से निकाल कर इडली ले लेंगे। तो देखिए हमने इतनी सारी इडली बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम क्या चलते हैं बिना मोल्ड की इडली बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, गैस पे एक पैन रख दिया, उस पर थोड़ा सा हम ऑयल स्प्रेड कर देते हैं और हल्का सा इस पर पानी डाल देते हैं, जिससे कि जो हमारा तवा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो हमने इडली का बैटर बना के रखा था उसको थोड़ा थोड़ी सी, जितने साइज की आपको इडली बनानी हो उसी तरीके से इस पर थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी इडली बना रही हूँ। इस तरीके से बैटर को हम इस पर सेट कर देंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल आप लो रखिएगा, गैस की फ्लेम को तेज़ मत करिएगा, अदरवाइज़ हमारी इडली फूलेंगी नहीं, वो जल जाएंगी। तो लो में गैस पर ही हमें इसे बनाना है। और हमने इस पे पानी डाला था, तो थोड़ा सा जब हम ढक्कन बंद करेंगे तो इस पे मॉइस्चर बनेगा। अगर आपका पानी सूख जाए तो थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस पे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए हमारी इडली अच्छे से फूल चुकी है और कितनी अच्छी से बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप इस तरीके से भी इडली बनाकर ले सकते हैं। तो हमारी सारी इडली बन चुकी थी, तो अब उनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाकर उस पर 2 चम्मच तक वेजिटेबल ऑयल था उसको डाल दिया। गर्म होने के बाद 1 चम्मच तक मैंने यहाँ पे राई डाल दी है। राई चटक जाने के बाद इसमें मैं थोड़ी से करी पत्ता है उनको ऐड कर देती हूँ। और एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैं बारीक चॉप करके यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। और अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर, लाल और हरी वाली शिमला मिर्च और पत्ता गोभी है उसको ऐड कर दिया है। अब इनको तेज़ गैस पर हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती हैं। वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और यहाँ पे 1/3 कप तक हम इसमें कॉर्न के, स्वीट कॉर्न के दाने उनको ऐड कर रहे हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है यहाँ पर। और अब हमारी जब वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं, तो हमने जो इडली बनाकर रखी थी उनको इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होती हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच तक ऑरिगेनो उसको ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच तक चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं और 1 चम्मच तक हम सफ़ेद वाले तिल है उनको ऐड कर रहे हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, थोड़ा सा क्रंच बन आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगते हैं। इनको भी थोड़ा सा आधा मिनट के लिए चलाकर हम फ्राई कर लेते हैं साथ में। और अब हम इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से लो गैस कर देंगे और उस पर थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे, जिससे कि सारी सब्जियों का फ्लेवर अच्छे से हमारी इडली में आ जाएगा। और अब यहाँ पे धनिया, हरा धनिया डालकर हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारी हरी भरी सी इडली बनकर तैयार हो चुकी हैं। इन्हें एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और ब्रेकफास्ट में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।